ओके आज हम लोग शुरू करेंगे कि वर्ल्ड प्रिवेलेंस क्या है एड्स का, और दुनिया में जो इसकी महामारी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है उसका क्या पूरा पूरे वर्ल्ड के उस पर पॉपुलेशन पर असर रहा, और उसकी वजह से कितने लोग मरे। अगर आप एक रिव्यू देखिएगा कि अभी करेंटली 2009 का जो ये यूनाइटेड नेशन एड्स का जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डाटा है उसके हिसाब से 37.9 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख को अगर आप 37 से करेंगे तो जितना आएगा, इतने लोग जो हैं आपको एड्स के साथ जिंदा है, दोज़ हु आर इन्फेक्टेड या हैविंग द एड्स, या सब ये पूरा डाटा है कि इतने लोग जिनको एड्स है। और सबसे उसमें ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उसमें से 21% लोग नहीं जानते उनको एड्स। वजह क्या है? या तो अनोइंगली उनके पास ये चीज चली गई है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, या स्क्रीनिंग सही से प्रोग्राम्स हमारे नहीं चल रहे हैं, या दूसरी वजह यह है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटस उनके ऐसे नहीं है जिसकी वजह से वो अपने को डिटेक्ट कर सके और उस जो भी सरकार की या हर जगह जो ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहा है वहां तक पहुंच के आपको डायग्नोज करें। तो ये 21% जो है ना, ये बड़ा और खतरनाक मामला है। अभी देखिएगा आगे चल के 1999 की करके एक मूव भी चला था जिसमें था कि पता लगाना है कि लोग को एड्स, 3 पॉइंट्स थे उसमें, आगे बात होगी कि उनको पता होना चाहिए उनको एड्स है, फिर वो दवा लें, फिर उसमें से कितना कम आए एड्स में। अगर 2017 का एक डाटा है अगर आप देखेंगे कितने लोग एड्स के साथ जिंदा रह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा आप देखेंगे तो उस डाटा में आपको नजर आएगा कि जो ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका है सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग, ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका यानी पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी जो अमेरिका वो है अफ्रीका है उसमें देखिए कितने लोग हैं, 19.6 मिलियन लोगों को। एंड अगेन यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 19.6 को 10 लाख से कीजिएगा तो आप देखिए कितने लोग सिर्फ अफ्रीका में, ईस्टर्न साउथर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न साउथर्न अफ्रीका में, फिर वेस्टर्न अफ्रीका को अलग छोड़ दीजिए, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका जो है वो उधर यूरोप से और अमेरिका की तरफ जो एरिया है 6.1 मिलियन, यानी सिर्फ आप अफ्रीका में देखिएगा तो 27 के आसपास आपको 26-27 मिलियन तो सिर्फ अफ्रीका में। एशिया एंड पैसिफिक जिसमें हम लोग आते हैं, हम आ गए, चाइना आ गया, हमसे थोड़ा पूरब के जो देश है थाईलैंड वगैरह ये सब आ जाता है इसमें, इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपको कितना है टोटल, इसमें 5.2 मिलियन लोग अफेक्टेड है, 5.2 मिलियन लोग इसमें अकेले इंडिया में बहुत सारा है। देखेंगे डाटा जब इंडिया का आएगा, 17 का है, 18-19 का जब सब दिखाएंगे, 18 में ये डाटा शो किया गया तब देखिएगा कितना ज्यादा इंडिया, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इसको मिला के देखिएगा तो 2.2 मिलियन है, लैटिन अमेरिका उसमें 1.8 मिलियन, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया 1.4 मिलियन है, कैरिबियन जो है ये कैरिबियन वाला एरिया, ये जो आपको साउथ अमेरिकन वाला एरिया है जो साउथ अमेरिका का जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह आते हैं सब, यहाँ पे आपको 3,10,000 के आसपास केसेस। इस तरह से अगर वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा आप केसेस का तो हर जगह आपको दिखेगा। उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी आ गया, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा वो है जो मतलब सऊदी अरबिया से ले और थोड़ा सा इजिप्ट वगैरह का एरिया आ जाता है, यानी कि बीच में समुंदर है एक तरफ आपको, इधर अरबियन देश है जो मिडिल ईस्ट कहलाते हैं, और समुद्र पार करके जब जाइएगा तो आपको फिर जो अफ्रीका का 2-3 देश है उसमें आता है। तो ये भी एरिया लगभग 9-10% ये भी अपने आप में आता है टोटल परसेंटेज के वे में देखिए 2,20,000 के आसपास 2017 में यहाँ केसेस, यानी दुनिया का कोई खत्ता ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ पे नहीं, अरब कंट्रीज भी नहीं बची हुई जहाँ एड्स नहीं है, ये पैंडेमिक है पूरी तरह से। अगर एच आई वी इन्फेक्शन का पॉपुलेशन ग्रुप देखिएगा तो किस ग्रुप में सबसे ज्यादा है, देखिए जब ये एच आई वी स्टार्ट हुआ था, जब मतलब आना शुरू हुआ था लोगों को, तो उस वक्त इसके कंडीशन डिफरेंट थे। डिफरेंट इस मामले में ये थे कि उस वक्त सबसे ज्यादा जो ये फैलता था वो अननेचुरल सेक्स की वजह से या सेक्सुअल ट्रांसमिशन ज्यादा था इसका, ठीक है, लेकिन अब इसकी इसका रेशियो बदल गया, अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेक्स वर्कर में जो फैल रहा है वो 6% जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, इंटरवेनस ड्रग यूजर्स जो होते हैं कि अपने बॉडी में जो है वो दवाएं डालते हैं, चाहे वो हेरोइन हो या फिर आप स्मैकर्स वगैरह देखिएगा डालते हैं सारी चीजें, या थ्रीट्स डालते हैं, या सेक्स विगोरेंट जो सब इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, या जो ट्रैफिकिंग में जो लोग जुड़े रहते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उनमें जो है आपको 12% लोग ऐसे हैं जिनको एड्स होता है, ग्लोबल ये पूरा डाटा मैं बता रहा हूँ। और वो लोग दो जो सोडोमी इख्तियार करते हैं, मैन हु हैव सेक्स विद द मैन, धारा 370 जो भी आया है, 70 या 70 ही शायद,
तो उसके हिसाब से ये शायद मैं आरपीसी उसका बोल रहा हूँ, नई आज़ादी इनको मिली इंडिया में भी कि मेन मैन जो है वो मैन से शादी कर सकता है या फिर फीमेल फीमेल शादी कर सकती है। तो वो लोग जो अननेचुरल सेक्स कहलाता है, ये जो सेम सेक्स में सेक्स करते हैं सेम जेंडर से करते हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा खासा 17%। और शुरू में भी आपने देखा था कि जो एड्स फैला था तो उसमें ब्लेम किया जा रहा था कि इसके होने की वजह इसी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से हुई थी, या उसके अलावा भी एक आगे जाके जो जानवर से जो लोग सेक्स करते थे उनकी वजह से ट्रांसमिट हुआ इंसान, ठीक है। उसके बाद एक 18% हिस्सा आप देखिएगा, 18% जो हिस्सा है ट्रांसजेंडर में, सिर्फ 1% ट्रांसजेंडर जो होता है जो मतलब कि बीच में जिसको कहते हैं कि वो लोग सेक्सुअली जो दोनों चीज इनके अंदर पाए जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हिस्सा 18% है क्लाइंट ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड सेक्स पार्टनर्स ऑफ अदर की पॉपुलेशंस, वो लोग जो इस बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते हैं, जैसे दोज हु बार्गेन, या फिर वो आदमी जो क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं कि सेक्स वर्कर को अपना मार्केट में ले जाना या फिर उन लोगों को कनेक्ट करना पीपल के साथ, जो जिसको ब्रोकर्स बोलते हैं, उनके अंदर भी लगभग जो है 18% पाया जाता है। और एक बड़ा हिस्सा 46% जो जनरल पॉपुलेशन होती है, रिमेनिंग पॉपुलेशन 46% है ना जनरल पॉपुलेशन है, उसमें भी और भी किसी वजह से हो सकता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मेडिकल जो वर्कर होते हैं जो काम करते हैं लैब में या एड्स वाले क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स में, उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या बॉडी में कोई पार्ट ऑपरेशन के दौरान या फिर कोई टेस्ट के दौरान या फिर टेस्ट नहीं करवा रहे तो आप जो टेस्ट में लैब में काम कर रहे हैं उनको बॉडी फ्लूड से किसी भी और वजह से, रेस्ट ऑफ द 46% को किसी भी और वजह से एड्स होते हैं। तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से दुनिया में 2018 का जो लेटेस्ट है ये, मतलब कि जो नैको के साइट पे ये लेटेस्ट है दिया हुआ, इसके बाद कोई नया सर्वे नहीं आया था, 18 का सर्वे जो 2019 में अपलोड किया उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किसको किस वर्ग को कितना एड्स होता है। अगर इसको थोड़ा सा देखिएगा आपको 2018 में कि जो आपको 2010 से 2018 तक में 2019 में डाटा डाला गया है, उसमें एक डाटा निकल के आया है कि कितने किन लोगों को नंबर ऑफ जो एचआईवी होता है न्यू एचआईवी किन को ज्यादा हो रहा है, किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, क्या उसमें चेंजेस आया है। 1.7 मिलियन लोग जो 2018 में अकेले इन्फेक्टेड हुए एक साल में, ठीक है। और ये जो नंबर है इसका 2010 से 2018 में जब आप कंपेयर कीजिएगा तो हर साल 16% कम होता चला गया है। वर्ल्ड के नक्शे में आप देखिएगा तो सबसे जो रेड वाला है एशिया पैसिफिक लिखा हुआ, जिसमें 3,10,000 के आसपास 2018 का सिर्फ है, इसमें हम आते हैं, चाइना आता है, हमारे साथ बांग्लादेश आया, फिलीपींस आ गया, मलेशिया आ गया, इंडोनेशिया, ये सब सारे देश, थाईलैंड आ गए, ये जो रेड वाला हिस्सा है 9% हम लोग जो है एशिया एंड एशिया पैसिफिक वाले एरिया जो इसको वो करते हैं मतलब कि ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 29% जो आपको देखेगा ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, इसमें आपको मंगोलिया आ जाएगा, इसमें रशिया से टूटे हुए अजरबैजान और उसके बाद डिफरेंट 5-7 मुस्लिम कंट्रीज है वो आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा हिस्सा आपका जो है उसका आप बाकी 10% नीचे देख लीजिए आप मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका यानी कि पूरा अरब और उसमें इसराइल वगैरह जोड़ के, और जो जो ये हिस्सा है आपको अल्जीरिया तो नहीं होगा इसमें आएगा, मिस्र वगैरह जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा उसमें आ जाता है। फिर आप उधर देखिए 12% ऊपर में वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आपको टर्की भी आ जाता है पूरा, तो ये 12% का हिस्सा है। और कैरिबियन जो हमने बताया था कि जो आपको साउथ अमेरिकन्स होते हैं, ठीक है, उनका साउथ अमेरिकन और मिड में समझ लीजिए कैरेबियन जो है उनका देखिए अकेले 16%, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका आप 13% देख लीजिए, फिर ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका वो आपका 800,000 के आसपास सिर्फ और सिर्फ 2010 से 2018 की बात में बता रहा हूँ। लेटिन अमेरिका यानी आप एक पूरा ओवरव्यू दीजिए, अगर 13 प्लस 28 के बाद पर 10 मतलब के 50% के आसपास आप लगभग देख लीजिएगा अफ्रीकन एंड कैरिबियंस मिला के आपको 50 से 60-65% तो यही लोग हो जाते हैं, 60% हो जाते हैं कैरिबियंस यानी कि नॉर्थ साउथ अमेरिकन। और जो ब्लैक पीपल है सबसे ज्यादा दुनिया में ये ब्लैक पीपल में पाया जाता है, इसका जो रेट देखा गया पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट में भी वो लोग आगे थे, अमेरिका में भी ज्यादा उनको हो रहा है जो ब्लैक पीपल है उनको ज्यादा हुआ है, ठीक है। और ज्यादातर सेक्स इंडस्ट्रीज में भी ये लोग और इस तरह के ड्रग एब्यूजर्स में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन लोगों को ज्यादा। नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी असेसिंग ट्रीटमेंट ग्लोबली, एक जो ये जो नया डाटा है इसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि 2000 से लेकर 2008 तक में कितने लोगों को कितना परसेंटेज यानी मिलियंस को हुआ और उसमें ट्रीटमेंट कितना ले रहा है। तो इसमें देखिएगा काफी ड्रास्टिक चेंज आया है, जो आपको थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है
या फिर आपको नारंगी कलर का दिख रहा है, वो जिनको एड्स है, और उसके साथ जो आपको थोड़ा ब्लूइश कलर में दिख रहा है, वो जो एड्स होने के साथ साथ दवा ले पा रहे हैं। तो अब 2010 में देखिए 24.9 मिलियन लोगों को 2010 में एड्स था, उसमें कितना एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन आपको एड्स की दवा ले पा रहा था, ये ट्रीटमेंट ले पा रहा था। उसके बाद 2005 में आ जाएगा, 5 साल बाद 28.5 मिलियन केस था, उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट बढ़ा था, 2 मिलियन लोग आपको ट्रीटमेंट ले पा रहे थे। इसी तरह से जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ आगे आइएगा आप, इसमें एक मिनट म्यूट कर दे रहा हूँ, कुछ आवाज आ रही पीछे से। 2010 में आइएगा तो केस बढ़ता जा रहा है, 31.7 मिलियन केसेस हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ट्रीटमेंट का रेशियो भी बढ़ता है, 7.7 मिलियन। इस तरह 14 में 15 मिलियन लोग आउट ऑफ 34.8 मिलियन जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है, 2015 में 17 मिलियन लोग, यानी 35.6 में से मिलियन में से 17 मिलियन लोग ले रहा है, लगभग ऑलमोस्ट आप देखिए 50% उसमें ट्रीटमेंट पे चला गया। 2016 में देखिए तो 60% के आसपास ट्रीटमेंट लोग लेने लगे, इस तरह 17 में देखिए थोड़ा और परसेंटेज बढ़ा, 18 में देखिए 37 में से 23.3 मिलियन लोग ट्रीटमेंट ले रहा है। तो 2000 से जब कंपेयर करेंगे 2018 तक, ये 19 में डाटा नैको के साइट पे डाला गया, तो इसके हिसाब से ये वर्ल्ड डाटा है, तो इसके हिसाब से लोगों में ट्रीटमेंट लेने की जो शेयर है वो बढ़ता चला गया, वो लोग बढ़ रहा है कि लोग इसके लिए जो एंटीरेट्रो या जो भी एंटीवायरल थेरेपीज है वो लेना शुरू कर दिया। सिर्फ एशिया एंड द पैसिफिक एशिया का देखिएगा, जिसमें हम लोग आते हैं, चाइना आता है, और जो रेड रीजन में हमने दिखाया था कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, ये सब आता है, इसमें सिर्फ आप देखिएगा तो 5.8 मिलियन, 2019 का डाटा है, 5.8 मिलियन लोगों को आपको वो एचआईवी है, एचआईवी उनको इन्फेक्टेड है वो लोग, उसमें 0.2% एडल्ट पर्सन है, जिसमें 15 से 49 वर्ष का जो एज है वो ज्यादा है, और 300,000 न्यू एचआईवी इन्फेक्शन है, ठीक है, और 1,60,000 डेथ हो चुकी है 2019 का डाटा मैं बता रहा हूँ, इसमें एड्स रिलेटेड डिजीज से, ठीक है। 60% एडल्ट्स आर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, उसमें से 60% एडल्ट्स में से 60% वो ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं उसका, ठीक है। 65% चिल्ड्रंस आर एंटी रेट्रोवायरल, बच्चे जो 65% वो ले पा रहे हैं। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आप दो में डाटा दिखाना चाहूंगा, एक इंडिया का और एक चाइना का। इसमें बड़ा रोल प्लेयर जो है, अकेले तो 1.5 अरब से ज्यादा हम हो गए, और फिर उतना चाइना है हमसे थोड़ा ज्यादा, तो दोनों एक बड़ा, मतलब समझिए कि 2.5-3 अरब तो हम ही लोग दोनों मिला के हो गए। इसमें से आप देखिएगा तो चाइना से ज्यादा केसेस हमारे यहाँ है। 2017 में अगर ये तो अभी इसका डाटा है, 17 में देखिएगा 2.1 मिलियन हमारा ही था, जिसमें 4 या 5 मिलियन के आसपास में 2.1 मिलियन अकेला हमारा है। तो इंडिया की हालत ज्यादा खराब है कंटिन्यूस, अभी पूरे इस रीजन में हम चाइना से भी आगे इसमें चले गए, तो हमारी कंडीशन ज्यादा खराब है। अब दिल्ली में और इंडिया के कंपेरिजन में देखिएगा तो जो 2015 से लेकर 2018 तक का डाटा है, 18 का देखिए, 17-18 के सेशन में एचआईवी के इंडिया में जो केसेस हुए थे 1,90,763, उसमें से अकेले दिल्ली में आपको केसेस था 6,563। अब जब इंडिया का डाटा देखेंगे तो इसमें साउदर्न कंट्री, साउदर्न स्टेट जो है आपका, कर्नाटक हुआ या महाराष्ट्र हुआ, थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र वाला जो मिजोरम, आसाम, ये सब चीजें यहाँ सब ज्यादा पाया जाता है, लेकिन दिल्ली अपने आप में एक्सेप्शन है कि दिल्ली में भी केसेस, इधर नॉर्दर्न में सब ज्यादा दिल्ली में ही केसेस है। एक मुहिम चला गई इसको लेके, कि मुहिम चलाई गई कि 90-90-90 करके, ठीक है, कि टारगेट रखा गया, टारगेट इसलिए रखा गया कि एड्स, इसमें अचीवमेंट रखा गया कि कुछ टारगेट्स को हमको अचीव करना है, ठीक है, 2020 तक अचीव करने का एक टारगेट रखा गया यूनाइटेड नेशन एड्स जो आपकी वो है संस्थान की तरफ से, कि इस टारगेट के थ्रू हमको 2020 तक अचीव करना है चीजों को, उसमें रखा गया रीचिंग द 90-90-90 टारगेट्स, ठीक है। उसमें पहला टारगेट ये रखा गया था कि जितने लोग एड्स से पीड़ित है उसमें से कितने लोगों को, टारगेट रखा कि 90% को पता होना चाहिए कि उसको एड्स है। हमने आप पीछे पहली स्लाइड में, आज की स्लाइड में बताया था कि 39 या 37% मिलियन में से 23% को पता ही नहीं कि उसको एड्स है। तो ये टारगेट रखा गया कि पहले लोगों को पता हो कि उसको एड्स है, ताकि तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, तभी उसका इलाज हो पाएगा, तभी उसको हम रोक पाएंगे, उसके कंसिक्वेंसेस को रोक पाएंगे। तो ये तीन टारगेट रखा गया था। पहला फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट 90 में कहा गया था कि 5 में से 4 आदमी को एड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 2018 तक में अचीव किया गया कि 79% लोगों को तक रीच हो पाएगी, उनको पता दिया गया, वो जो भी वहां पे सर्विसेज दी जा रही थी या वो जिस रीच में था उसके थ्रू उनकी डायग्नोसिस बन गई कि वो एड्स से पीड़ित है। दूसरा टारगेट था कि जिन लोगों को पता है
ठीक है, उसमें से कितने परसेंट को जानना है अपने स्टेटस के बारे में, ठीक है, यानी स्टेटस के बारे में क्या जानना है, जब वो जानेंगे कि हमको टीबी है तभी ना वो एड्स है, तब वो इलाज करा पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर पता चल जाए आज के डेट में कि एड्स है तो वो बताना ही नहीं चाहेगा किसी को, गार्जियंस को नहीं बताएगा कि वो लोग कितना घिन भावना से देखेगा, चूंकि मन में ये बैठा हुआ है एड्स जो है वो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही फैलता है, जबकि आपने देखा कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरी वजह से भी होता है, उसमें वजह आपको लैब हो सकता है या फिर डॉक्टर में काम कर रहे हैं, कहीं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वहां से भी एड्स बहुत लोगों को होता है, वॉलंटरी डोनेशन ब्लड डोनेशन ऐसी जगह पे आपको पता भी नहीं है, जैसे आप प्लाज्मा देने आजकल लोग जा रहे हैं या ब्लड देने जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जहां आप दे रहे हैं वो लैब अच्छा हो, और दूसरे उसके यहाँ सारे पैरामीटर्स जो है ना वो ध्यान में रखे गए, वो ट्रांसफ्यूजन कुछ क्रॉस ट्रांसमिशन ना हो डिजीज का, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी होता है। इसलिए जब आपको पेशेंट को ट्रीट करना है या खुद भी कभी ऐसी कंडीशन लगे तो खुल के इन चीजों को बोलना है, तो वो दूसरा टारगेट था कि जो लोग को पता है एड्स है वो ट्रीटमेंट कितना ले रहा है, तो ये अचीव किया गया 78%। अब जो तीसरी चीज थी, यानी हर पांच में से चौथा को ट्रीटमेंट दिया जाने लगा, ठीक है, ये जो टोटल हुआ ये लगभग 62% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद दैट, जितने को भी एच था 62% ने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, और वो जो ट्रीटमेंट लिया उसमें से कितने को वायरस का लोड कम हुआ। देखिए एड्स में अभी ट्रीटमेंट 100% नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ द पेशेंट्स को, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग, उसके जो सिम्टम्स हैं या जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज है उसको डिमिनिश कर देता है, यानी वायरल लोड कम कर दिया तो जो उस डिजीज की वजह से जो खतरा बॉडी में होना था, जो सीक्वल डेवलप होना था, वो कम होता चला जाता है। 15 साल का एक एवरेज हमने कहा था कि 14.15 समथिंग एज में मर जाता, 30 साल 40 साल लोग एड्स होते हुए भी जी रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो थेरेपी आई एंटीवायरल जो ट्रीटमेंट्स है वो इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो ये टारगेट रखा गया था कि लोगों को पहले पता हो कि उसको एड्स है, तो वो 79% अचीव किया गया हर पांच में से चार, और उनको एड्स है वो ट्रीटमेंट लें वो पांच में से चार अचीव किया 78%, और उस ट्रीटमेंट को लिया गया तो उसमें से पांच में से चार का जो वायरल लोड है वो कम हुआ, और वो जो अमाउंट था 53% ऐसे लोग जिनका वायरल लोड कम हुआ, और उसकी वजह से उनके जो एड्स के जो कॉन्सिक्वेंस थे वो कम हुए, जो डिजीज की वजह से डिवास्टेटिंग बॉडी पास था वो कम हुआ, लाइफ आगे बढ़ी उसकी। और दूसरे एक सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि जब हम एंटीवायरल थेरेपी देते हैं तो वायरल लोड कम करने से उस आदमी से दूसरे को एड्स होने के जो चांसेस है कई गुना कम हो जाते हैं। तो ये टारगेट था जो 2020 तक काफी अचीव किया गया, कंटिन्यूस अभी चल रहा है। इंडिया के हिसाब से जब देखेंगे आप तो सबसे पहले 1986 में एड्स जो है वो टास्क फोर्स बनाया गया, ठीक है, केस भी डिटेक्ट हुआ भारत में, हो सकता है पहले से केस हो लेकिन डिटेक्शन उस साल बना, ठीक है। ISMR जो अपनी जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है वो उसी ने इसको लीड लिया, और नेशनल एड्स कमेटी आपको बना दी गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बना दी गई। 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपको ला दिया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1 जो है वो लॉन्च हुआ 1992 में, ठीक है, और 1990 में मीडियम टर्म प्लान फॉर स्टेट्स एंड फोर मेट्रोज को, यानी कुछ स्टेट्स के लिए और मेट्रोज को खास के ध्यान में, जहां पे देखा गया सबसे ज्यादा एड्स के केसेस हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोगों का एक्सचेंज बहुत ज्यादा था, तो उनको फिर ध्यान में रखा गया 1992 में, ठीक है। पहला 1992 में पहली बार क्या किया कि आपको NACP 1 लॉन्च हुआ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, उसका बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया, और उसी साल आपको NACO भी बनाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अलग है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, एक फ्री और इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार की तरफ से बनाई गई जो स्पेसिफिकली आपको एड्स और इससे रिलेटेड चीजों को देखनी थी, तो वो NACO बना दी गई आपको 1992 में। 1999 में आपको फिर इसको जो फेज है, चूंकि अभी आपको सिर्फ जो है NACP 4 पढ़ना है, इन सारी चीजों को आपको सिलेबस हटा दिया, सिर्फ फोर्थ पढ़ना है, लेकिन हिस्टोरिकल उसका आपको ध्यान में रखना। 1999 में NACP 2 आया, ठीक है, उसके बाद 2002 में आपको नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी बनेगी, नेशनल ब्लड पॉलिसी बनाई गई, जो कि देखा गया कि बहुत सारे केसेस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी लोगों में फैल रहे हैं, ठीक है। और 2004 में आपको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इनिशिएट किया गया, ARD ट्रीटमेंट जो अभी तक भी चल रहा है, बहुत कारगर यही साबित हुआ एड्स को कम करने के चक्कर में। 2006 में नेशनल काउंसिल ऑन एड्स अंडर चेयरपर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, नेशनल काउंसिल एड्स के लिए, और नेशनल पॉलिसी ऑन पीडियाट्रिक ARD पहले यूथ को दिया जाता था, बच्चों को देने की पॉलिसी भी 2006 में बनाई गई। 2007 में NACP 3 लॉन्च हुआ 5 साल के लिए, 2007 से 2015 के लिए, और 2012 में NACP 4 लॉन्च हुआ 2012 से लेके 17 तक के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए, 5-5 साल का ये प्लान लॉन्च किया। तो आप उसको एक ओवरव्यू में देखेंगे तो 92 और 99 का जो हिस्सा है हमारा,
इसमें जो है एनएसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनएसीपी फर्स्ट आया, कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 99 में, फिर आप देखिएगा 2 लाया गया, फिर 5 साल के लिए, फिर 2007 से 12 के लिए आपको लाया गया, 3rd लाया गया, फिर 12 से 17 के लिए आपको, ये 4-5 एनएसीपी का जो तीनों चारों फेज है उसको फिर याद में रखना है कि कब कब लॉन्च किया गया, उसको ध्यान में रखना, यही कभी कभी पूछ लेगा कब लॉन्च हुआ। जो एनएसीपी था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था, उसका जो मोटिव था, सबसे पहला एम था टू प्रिवेंट द फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, यानी जिसको हो गया है उससे आगे किसी और को ना फैले, ये पहला एम था। और दूसरा एम क्या था, टू डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी, यानी एड्स की वजह से जो मौतें हो रही है, चाहे बच्चे में, जवान में, बूढ़े में, सेक्स वर्कर में, कोई भी, वॉट एवर द पॉपुलेशन इज, कोई भी है, उसमें उसकी मौत कम करना है, और डूइंग द ट्रीटमेंट, जो एड्स हो गया उसको मरने से पहले उसके अंदर जो भी चेंजेस बॉडी में आने हैं, ठीक है, जो भी डिफॉर्मिटी बॉडी में आनी है, यानी कि सिक्वल डेवलप हो जाना, उसको भी कम करना है। तो कैसे कम होता था, उसके लिए हमको ट्रीटमेंट जो है टाइम के साथ, डायग्नोसिस के बाद तुरंत अगर एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो हम एआरटी जो आपको लेकर रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो अगर जल्दी से शुरू करते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस में देखेंगे कि इसके कंसिक्वेंस डिक्रीज हुए, वायरल लोड कम हुआ, शुरू में अगर विंडो पीरियड में अगर उनको हो जाता है तो बहुत हद तक एड्स को मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शन। ये बड़ा हिस्सा था कि शुरू के 10-15 साल में इंडिया जैसी कंट्री में तो लोग शर्म से इसको नहीं बताते, और यही था कि हम मुगाम, वो जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात बताया, माइंडसेट बताया कि उस बंदे ने इनकार किया इसको, और उसके इनकार की वजह से देखिएगा 30 मिलियन लोग मर गए और इन्फेक्टेड हुए उसकी वजह से पूरे अफ्रीका में। तो इसी तरह से ये माइंडसेट समाज में भी डेवलप, लोगों को, जैसे आज किसी को एड्स होता है तो सबसे पहले समाज को डेवलप हुआ तो उसके मन में आ जाएगा कि कहीं इसने अनप्रोटेक्टेड अनलॉफुल सेक्स किया है ऐसे लोगों से, जबकि वो जरा सा भी इंक्वायर नहीं करता है कि ये मेडिकल डॉक्टर है या लैब में कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही हुआ या कहीं और बॉडी फ्लूड एक्सचेंज हो गया किसी से। लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए टारगेट रखा गया कि आईसी जो होता है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, उस टूल को इतना अच्छे से बढ़ाया जाए लोगों में, पब्लिक में, ताकि उनको एड्स की जब सारे फैलने के सारे तरीके पता होंगे तो फिर अब धीरे धीरे जो 10-15 साल पाल हम लोग जो छोटे थे उस वक्त जो माइंडसेट था एड्स को लेके, काफी चेंज आ गया है। तो यही तीन टारगेट रखा गया था, उस टारगेट के थ्रू इसका काम करना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का शुरू हुआ। तीनों चारों को जब देखेंगे तो पहला 94-99 का पीरियड था, दूसरा 99-2006 का पीरियड था, तीसरा 2007-2012 का पीरियड था, और चौथा 2012-2017 का पीरियड था, ठीक है। एनएसीपी ध्यान में रखेंगे, फोर्थ एनएसीपी को हमको पढ़ना है, यही एक पॉइंट है फोर्थ एनएसीपी का, जो वैलिड पॉइंट है। 12 फरवरी 2014 को ये लॉन्च हुआ, टोटल बजट जो उस वक्त रखा गया एनएसीपी 4 में, वो बजट था आपको 14,295 करोड़, चूंकि पूरे इंडिया में इसको स्प्रेड आउट करना था, और इसको गोल जो था एक्सिलरेट रिवर्सल इंटीग्रेट रिस्पॉन्स, मतलब कि एड्स जितने लोगों को हो रहा है उनको टेकअप करके ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, और जो प्रोग्रेस है डिजीज को उसको कम कर देना है, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि रिपोर्टिंग अच्छे से हो, ठीक है। उसको ग्रुप में, दो ग्रुप में बांटा गया, जो इसका पैकेज था एनएसीपी 4 का, दोनों स्लाइड जो नीचे वाली एक ही है, थोड़ा सा एक को इंक्लाज करके हमने बताया, और लेफ्ट वाले में जो आप देखें प्रिवेंशन ऑफ केस सपोर्ट में, उसमें जो चीजें हैं वो आपको हाईलाइट करके कुछ मेन चीजें दी गई है, ठीक है। तो उसका जो आपको पहला वो रखा गया कि इसकी वजह से जो एनएसीपी 4 आया, उस एनएसीपी 4 का जो हाईलाइट्स क्या है, मेनली हाईलाइट्स को इसमें एक मिनट आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, अब प्रिवेंटिव सर्विसेज के साथ साथ जो इसके केयर एंड सपोर्ट के ट्रीटमेंट की सर्विसेज है, वो दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला जो था जो प्रिवेंटिव सर्विसेज था कि भाई एक तो एड्स के प्रकोप में आने वाले वो सारे लोगों को जो ससेप्टेबल हो सकते हैं, जैसे फैमिली में एक को हो गया, मदर को, फादर को, तो बच्चों को होने के चांसेस बढ़ जाता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को हो गया। तो अफ्रीका में सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चों को फैलने के चांसेस बहुत बढ़ गए, ठीक है। तो वो मामला जो है रोकने के लिए अफ्रीका में, चूंकि वो बंदे ने, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कितने सारे बच्चे जो पैदा लिए, आपने उधर देखा होगा कि कितने 3 लाख के आसपास बच्चे जो उस दौरान पैदा लिए, वो एड्स लिए पैदा लिए, अब उसकी तो लाइफ खत्म कर दी उसने। तो जो एनएसीपी 4 के अंदर जो आपको पैकेज है, जो पहली सर्विसेज थी, उसमें क्या था, फर्स्ट सर्विसेज टारगेट इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप। जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें कौन कौन लोग थे, फीमेल सेक्स में ज्यादा होता था, सेक्स वर्कर जो फीमेल है, क्योंकि मल्टीपल सेक्स, मल्टीपल पर्सन से सेक्स होता था, एक्सपोज होता किसको एड्स है या नहीं है,
दूसरे क्या था, जो पर्सन मैन टू मैन यानी कि मेल टू मेल सेक्स कर रहे हैं उनको ज्यादा होता था। ट्रांसजेंडर हिजड़ा जिसको बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा था। आपने देखा कि किस तरह से दुनिया में अभी 18-19 का डाटा हमने दिखाया था कितना परसेंट, 18% के आसपास ट्रांसजेंडर में, 1% सॉरी, और ये फीमेल सेक्स वर्कर में 14-18% के आसपास था। ठीक है, और वो लोग जो IDUs मतलब कि इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, ये लोग आपको टारगेट पसंद में आया था। दूसरा क्या था, निडिल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम एंड अपॉइंट सब्स्टिट्यूट थेरेपी फॉर IDUP। जो निडिल और सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम क्या था, ज्यादातर जो लोग जो निडिल और सिरिंज से जो डील आउट करते थे उनको प्रिवेंटिव मेजर बताना, ठीक है, उन लोगों को सिक्योर मेथड SOPs बताना किस तरह से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या लैब में किस तरह से काम करें, एक्सीडेंट्स कम करना, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करना, मैनुअल को कम कर देना, हाथ से ज्यादा ब्लड को नहीं छूना या फिर उस तरह की चीजों को, कभी न कहीं बॉडी फ्लूड्स अगर शेयर हो गया आपके बॉडी से कटे फटे कहीं पे, ग्लव्स का इस्तेमाल कर, वो सारे बताया गया। दूसरा तीसरा दूसरा क्या था, ओपॉइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी, मतलब IDUs होते हैं जो इंटरवेनस या फिर इंजेस्टेड फॉर्म में, या वो जो आदमी जो है अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में जो ड्रग यूजर्स होते हैं, देखते ना आपको बहुत सारे नशेड़ी लोग होते हैं जो मूवीज में इस तरह बहुत इसको प्रोपेगेट किया जाता है इन चीजों को, इनको कोई सब्स्टिट्यूट देना है कि आप इंजेक्टेबल फॉर्म की वजह से आप जब उसमें क्या होता है कि खुद लिया अपने दोस्तों को दिया और शेयर, एक इंजेक्शन 3-4 लोग ले लेते हैं डोज, तो आपस में जो ट्रांसफ्यूजन होता है, ट्रांसमिशन होता है डिजीज का बहुत ज्यादा था, तो उनको बताना खास के कम से कम उनको कि आप अगर आदि हो गए तो आप ओरल लीजिए, आप इंजेक्टेबल फॉर्म को चीज को हटाइए। तीसरा क्या था, प्रिवेंशन इंटरवेंशन फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशन एट सोर्स ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन। हमने आपको बताया था जब हम लोग हाउसिंग पढ़ा रहे थे कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने वर्कर जाते हैं, अपना घर नहीं होता है, तो एक चीज बताया था कि उन लोगों में प्रोस्टिट्यूशन और जो पेड सेक्स वर्कर के पास जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो घर से दूर होते हैं और उनकी मेंटल सेटअप दूसरा होता है, तो टेंशन को रिलीव करने के लिए इस तरह की चीजों के प्रे बन जाते हैं। उन लोगों को रोकना, उन लोग ऐसे लोग रह रहे हैं जो बाहर से प्रवासी जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों में आपको एजुकेशन IC क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उन लोगों तक ज्यादा बढ़ावा देना है इसके थ्रू। लिंक वर्कर स्कीम फॉर चार्जी एंड वल्नरेबल पीपल इन रूरल एरिया। देखिए जितने भी लोग जो हैं ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन वगैरह जो है के थ्रू जितने भी वल्नरेबल लोग हैं, यानी जो ऐसे लोग जिनको होने के चांसेस है, ठीक है, उनके अंदर रूरल एरियाज में उनको वर्क से जोड़िए। ठीक है, अगर वर्क्स नहीं जोड़िएगा तो फिर वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, मनरेगा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उससे नहीं जोड़िएगा, उनके पैसे के जो रिसोर्स हैं वो घट जाएंगे, तो फिर आदमी बहुत सारे केसेस देखे हैं इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी, गर्ल्स में, फैमिलीज में, कि वो इच्छा से अपने सेक्स जो वो होते हैं क्या कहते हैं आपके ब्रोथल्स वगैरह होते हैं, वो आप अपनी इच्छा से नहीं जानते लेकिन मजबूरी भी होती है, फाइनेंशियल इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं रूरल एरियाज में, अर्बन सलम्स वगैरह में, तो वो इस तरह से सेक्स वर्किंग जो मार्केट होती है उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। वो बहुत सारे चीजें ऐसी देखी गई हैं इवन कि सिटीज में हम डेवलप हो गए, तो ऐसे लोगों को ह्यूमन रिसोर्स गांव में या फिर जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे काम सरकार को देना जरूरी है। जब तक काम नहीं होगा उनका पेट भर रहा है, तो ज्यादातर इंडियन सोसाइटी में देखा गया है कि हम लोग अपने मॉरल्स को हाई रखते हैं, अगर हमारे बहुत मजबूरी नहीं होती तो इस तरह की चीजों से हम बचना चाहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं, वेस्टर्न कल्चर में लोग अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं या फिर उसको कमाई का अपना एक वो बना लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर जहाँ भी डेवलप हो रहा है, चाहे इंडिया की सिटीज में भी, तो वहाँ भी होने लगा, लेकिन जो बेसिक लोग हैं इंडियन जो कल्चर है उसमें ये चीजों को लोग अवॉइड करते हैं अगर उनको मजबूरी ना हो तो उनको आपको HR मतलब कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू उनको काम देना गाँव में या अर्बन सलम्स में या सिटीज में भी काम देना उनको जरूरी है। अभी आप देख लीजिए कि जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से बहुत ज्यादा भुखमरी सेक्स वर्कर के अंदर है, वर्कर्स के अंदर आते। BBC ने कई रिपोर्ट्स किए दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जो सेक्स वर्कर्स के हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि उनकी पूरी इंडस्ट्री जो थप पड़ गई है। ठीक है, तो वजह क्या है कि उनके जब जीविका का वही आलम है, वही उनको एक चीज बच जाती है तो फिर वो इजिली उस चीज में ट्रैप में आ जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ STI, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, RTI रिपोर्टेड ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके जो इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये जो इन्फेक्शन होता है इस एरिए में, तो ऐसे लोगों को बहुत ही जरूरी, वहाँ का जो फ्लोरा है, वहाँ के जो लोकल मिजाज होता है, वो जब आपको उसका रिपोर्टेड ट्रैक का अगर गड़बड़ा जाएगा तो वहाँ पे इजी चांसेस है कि आपको एड्स के ट्रांसमिशन हो जाए, क्योंकि वहाँ की इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो रिपोर्टेड ट्रैक या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड दूसरी डिजीज है उसके साथ एड्स का कम्बिनेशन बहुत बुरा बनता है, उसको भी रोकना है। ब्लड सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है कि सही लोग ब्लड डोनेट करें,
उससे पहले चेकिंग हो दोनों की, देने वाले लेने वाले दोनों की, जो लैब हो वो सारे पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज ये हर जगह जगह खोला जाए, लोगों को, यूथ को, या फिर कॉलेज में जैसे एंट्री हुई उनके पास बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का मूड होता है, उनके एज ऐसे होते हैं, उन लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाएगी, जो सेफ प्रैक्टिसेस है उसको ध्यान में रखिए। प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि माँ जो कंसीव कर रही है अगर पहले से वो एड्स पॉजिटिव है तो उसको रोका जाए कि आप कंसीव ना कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को भी हो सकता है, या उसको बाद में पता चला तो उसके थ्रू जो थेरेपीज चलनी है, जो स्पेशल मेजर्स लेने हैं उसके लिए उसको तैयार करना है, ठीक है। कॉन्डोम प्रमोशंस, द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, पहले लोग इसको देख के शर्माते थे, आज के डेट में जहां भी जाइएगा बड़े हॉस्पिटल्स में, नेको के सेंटर्स पे, हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, सरकार गवर्नमेंट जो है उसको अच्छे से अच्छे वे में उसको अपग्रेड करके ला रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, मैंने पहले भी कहा कि हर प्रोग्राम्स की का जो दारोमदार होता है वो इस चीज पे होता है कि उस प्रोग्राम के बारे में लोग कितना इन्फॉर्म्ड है, जो टीम उसको डील कर रही है, चाहे वो आपके नर्सेज हो या फिर आपका मल्टीपर्पज वर्कर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आपका जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो उसके बारे में इन्फॉर्म हो, तभी वो जाके कम्युनिकेट कर पाएगा मास में। और कम्युनिकेशन के स्किल आपके, कम्युनिकेशन के जो रूट्स हैं आपके, कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं आपके, जो उसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, मल्टीमीडिया से लेके पब्लिक सोशल साइट वगैरह, तो उसको उसी तरह स्प्रेड आउट। इसलिए जब आप DD1 खोलिएगा, DD2 जो सरकार के चैनल जब खोलिएगा, तो आपको आधा जो है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के प्रचार होंगे, उसमें एड्स का प्रचार होगा, उसमें ब्लाइंडनेस कंट्रोल का प्रचार होगा, उसमें आपको नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल का प्रोग्राम होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल का प्रोग्राम होगा। तो जो इमिशिया के जो सबसे मशहूर चैनल्स होते हैं उस चैनल के थ्रू, उसके बाद बड़े बड़े स्टार्स को हायर किया जाता है कि आप इसके बारे में बोलिए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे आगे चीज है, सोशल मोबिलाइजेशन, यूथ इंटरवेंशन एंड एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। अभी देखिएगा एड्स के बारे में आप कहाँ आके जानते हैं, इसके बारे में ज्यादातर आज के सिलेबस में 10th में कुछ मिलेगा, उसके बाद 11th 12th में पढ़िएगा वहां थोड़ा नहीं मिलेगा, तो आपको मेडिकल कॉलेज में जब जाइएगा तब आपको एड्स के बारे में जानकारी, वो भी फाइनल ईयर में जाके डिजीज पढ़नी है। इस चीज को चेंज करने की जरूरत है कि इसकी बेसिक जानकारी स्कूल्स में ही बच्चों को दिया जाए, वो जो मतलब कि अभी जो इन्फोमान सवाब का जो मामला होता है, एडोलेसेंट जिसको कहते हैं कि प्री यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे होते हैं 9, 10, 11, 12, इस ये जो एज शुरू होता है 8th के बाद, इसके बाद इनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू, अगर मान लिया उनके सिलेबस में नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको जो है उसके प्रोग्राम्स या वर्कशॉप इस तरह के होने चाहिए, ठीक है। वर्क प्लेस का इंटरवेंशन हो, जहां भी लोग रह रहे हैं वहां अगर इस तरह के अगर सेक्सुअल एक्ट हो रहा है तो उन चीजों को सेफ सेक्स की तरफ ले जाने की बात हो। इसलिए जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज देखिएगा या फिर जहां रातों में काम होता है, सब जगह आपको कॉन्डोम्स के स्पॉट्स बने होते हैं ताकि आप कम से कम उसको रिड्यूस कर सके, ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी, मेनस्ट्रीम HIV एड्स रिस्पॉन्स, जो HIV और एड्स का मामला है अब छुपाने वाली बात नहीं है, इसको पब्लिक में हर एक आदमी को इसके बारे में पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये डिवास्टिंग इफेक्ट डाल रहा है लोगों पे, फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये हो गया प्रिवेंशन के टूल्स, आपको ज्यादातर हिस्सा आप लोग जानते हैं, चूंकि प्रोग्राम्स में प्रिवेंशन की क्या स्थिति होती है उस चीज के बारे में हम लोग पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके। दूसरा, केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, ऐसे लोग जिनको लगा कि ससेप्टेबल हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, डायग्नोस्टिक टूल्स की तरफ ले जाना है कि भाई आप जांच करवाओ तुम अपना, ठीक है। जांच होना बहुत जरूरी है ताकि तब तक पता चले कि आपको भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए लेबोरेटरी सर्विस फॉर CD4 टेस्टिंग एंड अदर इम्यूनिटी, CD4 याद होगा जो इम्यूनिटी पढ़ा रहे थे हम लोग, क्लस्टर के बारे में बात किए थे कि जब अंदर बॉडी के अंदर जाता है फिर वो कोई भी एंटीजन आता है तो जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स फिर जाके आपको मोनोसाइट और उसके बारे में बात किया था, फिर अंदर लेके जाता है वहाँ CD4 जो क्लस्टर्स बारे में बात हुई थी। तो यही चीज है, जब टेस्ट करेंगे इसको तो CD4 काउंट इनके जो घटे हुए होंगे, फिर CD4 काउंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल करने के लिए, उसके बाद फिर आपको टेस्टिंग्स के लिए या जो भी अवेलेबल टेस्टिंग उस एरिया में, अब तो किट्स आने लगे हैं इसके, तो वो वहां उनको ले जाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्री फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थ्रू ART सेंटर्स एंड लिंक ART सेंटर्स या ART प्लस सेंटर्स, डिफरेंट टाइप्स के ART सेंटर्स होते हैं, एंटी रेट्रोवायरल वायरल ट्रीटमेंट होते हैं जो एड्स के लिए स्पेसिफिक होती है, वो अब सेंटर्स हर जगह खुल गए हैं। नाको की यूनिट जो पूरा समझिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रही है,